मूवी के स्टार्ट में हमें काइल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज एंकर का बेटा होता है। अब क्योंकि वो एक अमीर आदमी का बेटा था और गुड लुकिंग भी था, तो इसीलिए वो काफी प्राउडी और काफी सेल्फिश इंसान था। काइल अपने स्कूल के इलेक्शन जीत कर कमेटी प्रेसिडेंट बन जाता है, जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहा होता है और वो उन स्टूडेंट्स को बुली भी करता है जो ज्यादा खूबसूरत यानी गुड लुकिंग नहीं होते। उनमें एक लड़की भी शामिल थी जिसका नाम कैंड्रा होता है। कैंड्रा जो कि कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक विच होती है, वो जो फॉरेस्ट को छोड़कर यहाँ आई थी नॉर्मल बच्चों की तरह स्टडी करने के लिए। लेकिन ये बात काइल नहीं जानता था कि वो एक विच है। स्पीच देने के बाद जब काइल बाहर आता है तो वो देखता है कि कैंड्रा ने उसके पोस्टर्स खराब कर दिए हैं। और जब काइल कैंड्रा से इस बारे में पूछता है तो वो काइल को एक लड़की लिंडा से इंट्रोड्यूस करवाती है। लिंडा जो कि काइल की क्लासमेट थी लेकिन साथ साथ वो उसे पसंद भी करती थी। लेकिन काइल 3 सालों में फर्स्ट टाइम उससे बात करता है। फिर नेक्स्ट डे काइल कैंड्रा से काफी माफी मांगता है उसे बुली करने पर, साथ साथ वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। और तब कैंड्रा काइल को सेकंड चांस देते हुए पार्टी में चली जाती है। लेकिन काइल सुधरा नहीं था बल्कि ये भी उसकी एक ट्रिक थी कैंड्रा को सबके सामने शर्मिंदा करने की। काइल पार्टी में सबके सामने कैंड्रा को काफी बुरा भला कहता है। लेकिन अब क्योंकि कैंड्रा एक विच थी तो वो काइल को कर्स्ड कर देती है और इसके बाद काइल को कुछ समझ नहीं आता और वो आधी बेहोशी की हालत में घर चला जाता है, जहाँ पर कैंड्रा आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कर्स्ड कर दिया है। जिसके बाद काइल एक हेयरलेस इंसान बन जाता है, यानी जिसके बाल नहीं होते और उसके फेस पर अजीब तरह के टैटूज और स्कार्स थे, यानी वो दिखने में काफी हॉरर और अगली लुक दे रहा था। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बहुत बदसूरत लग रहा था, जिसे कोई भी ना देखना चाहे। कैंड्रा काइल को कहती है कि अगर किसी लड़की ने तुम्हें अगले स्प्रिंग सीजन से पहले ये ना कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही अगली बन के रह जाओगे। इसके बाद जब काइल के फादर घर आते हैं तो वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, तो इसीलिए फौरन वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब डॉक्टर के पास भी इस चीज का कोई भी सलूशन नहीं होता। काइल के फादर डॉक्टर को कहते हैं कि मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने बेटे की ऐसी शक्ल नहीं देख सकता। तब ये सुनकर काइल गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर काइल अपने फादर से काफी नाराज था, क्योंकि कुछ भी रिस्क लेने का मतलब ये है कि अगर इस प्रोसेस में काइल की जान भी चली गई तो उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जाहिर है ये बात काइल के लिए काफी दुख वाली थी। अब काइल के फादर उसी सिटी से दूर एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। मीनवाइल सिटी में तो सबको ये बताया जाता है कि काइल असल में एक रिकवरी सेंटर में है। काइल की देखभाल करने के लिए वहाँ पर एक मेड को हायर किया जाता है। अब इस मुश्किल टाइम में काइल के फादर ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था और इतनी दूर। अब काइल के लिए अकेले ही इस सिचुएशन से लड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। वो खुद को काफी अकेला फील करता है। अब उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात सुनता। फिर एक दिन डोर पर कोई नॉक करता है और जब काइल चेक करने जाता है कि वहाँ कौन है तो वहाँ उसका ब्लाइंड ट्यूटर होता है, जिसे उसके फादर ने ही हायर किया होता है काइल के लिए। उसी रात फर्स्ट टाइम काइल अपनी मेड से ठीक तरह से बात करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मेड को ग्रीन कार्ड ना मिलने की वजह से अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ शिफ्ट होना पड़ा है और इसी वजह से उसकी मेड आज तक गिल्ट में ही है। इसके बाद काइल एक पार्टी में जाकर कैंड्रा से मिलता है, जहाँ पर वो उसे माफी मांगते हुए रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज मुझ पर से इस कर्ज को खत्म कर दो ना और मुझे ठीक कर दो। लेकिन कैंड्रा उसे कहती है कि ये कर्ज तब तक वापस नहीं हो सकता जब तक कि तुम किसी लड़की को पसंद ना आ जाओ, यानी वो तुमसे प्यार ना करने लगे। फिर आगे बढ़कर काइल अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी और के साथ देखता है और ये देख कर वो काफी हर्ट होता है। फिर इतनी ही देर में वहाँ पर उसकी क्लासमेट लिंडा आ जाती है, जो कि काइल को पहचान नहीं पाती और उसी के आगे वो उसके दुख का इजहार करती है और अफसोस जाहिर करती है। अब लिंडा की ये बात काइल को काफी अच्छी लगती है और इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। बस इसी के बाद से काइल लिंडा को फॉलो करने लग जाता है। वो उसकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज पर नजर रखने लग जाता है और उसकी वजह से काफी खुश भी रहने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो लिंडा को फॉलो कर रहा होता है तब वो देखता है कि लिंडा अपने फादर को ढूंढते हुए बिल्डिंग के बैक साइड पर गई है, जहाँ पर 2 डीलर्स उसके फादर पर गन पॉइंट करके खड़े हुए हैं। तब काइल उनमें से एक पर अटैक करके गन नीचे गिरा देता है और दूसरा डीलर लिंडा को गिरा कर बेहोश कर देता है। यहाँ पर काइल लिंडा को उठाकर बिल्डिंग के अंदर छोड़कर आता है। बाहर आने पर वो देखता है कि लिंडा के फादर ने एक डीलर को शूट कर दिया है और दूसरा डीलर लिंडा के फादर को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा देखना। तब इस बात का फायदा उठाकर काइल उसके फादर को कहता है कि आप लिंडा को मेरे पास छोड़ दें क्योंकि वो मेरे पास ही सेफ रह सकती है। तब लिंडा के फादर उसकी बात मान लेते हैं। नेक्स्ट डे उसके फादर उसे काइल के घर ले आते हैं। काइल अपनी असल आइडेंटिटी छुपा कर खुद को एज अ हंटर शो करवाता है। इवन वो तो लिंडा के सामने जाता ही नहीं और उसकी मेड ही लिंडा को रिसीव करती है। लिंडा अपने फादर पर गुस्सा
करती है कि आप कैसे मुझे किसी अननोन पर्सन के पास अकेले छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद वो अपने फादर को गुड बाय बोले बगैर ही उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर लिंडा काइल को आवाज लगाकर कहती है कि अगर तुमने मेरे करीब आने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, देखना। अब यहाँ पर डेफिनेटली वो उससे नफरत करती है। इसके बाद लिंडा खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और काइल उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो उसके रूम के बाहर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रखने लग जाता है, लेकिन इसका लिंडा पर कोई असर नहीं होता, मींस वो इम्प्रेस नहीं होती। तब ये देखकर काइल की मेड उससे कहती है कि तुम्हें लिंडा को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तब काइल अपनी मेड की बात मानते हुए लिंडा को जेलिस का एक कार्टन गिफ्ट करता है। साथ साथ वो लिंडा को उसकी फादर की तरफ से पॉजिटिव रहने के लिए कहता है। वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि ये सब कुछ तुम्हारे फादर ने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही किया है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तभी सुनने के बाद लिंडा थोड़ा काम डाउन हो जाती है, यानी रिलैक्स हो जाती है। साथ साथ वो जेलिस को भी एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद काइल लिंडा के लिए लव लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो इस डर से उसे वो लेटर्स नहीं देता कि कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे। इसके बाद काइल लिंडा को और ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए खुद ही छत पर ग्रीन हाउस बनाने लग जाता है। अब क्योंकि काइल हमेशा से ही खुद को लिंडा से छुपाता है तो लिंडा को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे इरिटेशन होने लगती है। तब कोई भी रास्ता नजर ना आने पर काइल खुद को उसके सामने रिवील कर देता है, लेकिन काइल के लिए शॉकिंग बात ये थी कि लिंडा को उसका फेस बिल्कुल भी अगली नहीं लगता, बल्कि वो कहती है कि मैंने इससे भी कई ज्यादा वियर्ड फेसेस देख रखे हैं और तुम्हारी लुक्स में कोई खराबी नहीं है। तब ये सुनकर काइल के दिल में लिंडा की फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं और फाइनली काइल ग्रीन हाउस भी कंप्लीट कर लेता है। और उसके लिए खुशी की बात ये होती है कि लिंडा को ग्रीन हाउस बहुत पसंद आता है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि स्प्रिंग सीजन आने वाला था, लेकिन लिंडा अभी तक उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती जो काइल को उस कर्ज से आजाद करवा देगा। तब इस बात से परेशान होकर काइल लिंडा के पास जाता है और वो लिंडा से रिक्वेस्ट करता है कि बेशक तुम कर्ज खत्म मत करो, लेकिन प्लीज मुझे कुछ टाइम और दे दो। लेकिन कैंड्रा इस बात से भी इनकार कर देती है और वो उसके सामने एक ऑफर रखती है कि अगर लिंडा को तुम अच्छे लगने लगे, यानी उसे तुमसे प्यार हो गया, तो तुम्हें ठीक करने के साथ साथ मैं तुम्हारे ट्यूटर की आईज भी वापस दे दूंगी और तो और तुम्हारी मेड को भी ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगी। इसके बाद लिंडा काइल को हंटर समझकर बताती है कि मुझे काइल बहुत पसंद था। तब काइल भी हंटर बनकर उसे इस बात के लिए कन्वेंस करता है कि वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, जिस पर लिंडा कहती है कि ये बात झूठ है और मैं इसे सीरियस नहीं लेती। इसके बाद काइल और लिंडा एक ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर काइल लिंडा के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, लेकिन लिंडा उसे ये कह देती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा फ्रेंड समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी लिंडा को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में है और जिस डीलर ने उसके फादर को धमकी दी थी वो भी जेल जा चुका है। इसके बाद लिंडा अपने फादर के पास जाने के लिए निकल जाती है और वो काइल के दिए हुए लेटर्स पढ़ने लगती है। इसके बाद वो काइल को कॉल करती है, लेकिन काइल का तो दिल टूट चुका था, वो काफी हर्ट था, इसीलिए वो उससे बात नहीं करता। फिर काइल उस मेड और ट्यूटर के फोर्स करने पर लिंडा से स्कूल में मिलने जाता है। वहां जाकर काइल लिंडा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके बाद लिंडा उसे कहती है कि तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन इसके बावजूद भी काइल की बॉडी में कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद लिंडा वहां से जाने लगती है, जिससे काइल डिसअपॉइंट हो जाता है और अपसेट भी। लेकिन तभी लिंडा टर्न करती है और वो काइल को वो बात कह ही देती है जो काइल उसके मुंह से सुनना चाह रहा था, यानी कि तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब काइल खुश होते हुए स्कूल से बाहर आता है और मिरर में देखने लगता है, जो कि वापिस से अपनी असली हालत में आ गया था। फाइनली इतनी एफर्ट के बाद कर्ज खत्म हो गया था, जिस पर काइल बहुत खुश होता है और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ पर लिंडा आ जाती है, जो काइल को इग्नोर करके हंटर को ढूंढने लग जाती है। तब काइल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि मैं ही वो हंटर हूँ और कर्ज की वजह से मैं वैसा बन गया था और तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से पहले जैसा ही बना दिया, यानी लिंडा की वजह से ही उसका कर्ज खत्म हुआ है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके हंटर को कॉल करने लगती है, जिस पर रिंग काइल के फोन पर हो जाती है और यहाँ पर लिंडा को काइल की बातों पर यकीन आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि काइल का ब्लाइंड ट्यूटर भी अब बिल्कुल ठीक हो गया है, यानी उसकी आंखें वापिस आ गई हैं। साथ साथ उस मेड को ग्रीन कार्ड भी मिल गया था, यानी यहाँ पर कैंड्रा ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, काइल को उसकी लुक देने के साथ साथ ट्यूटर और मेड को भी सब कुछ दे दिया। इसके बाद हम कैंड्रा को देखते हैं, जो कि अब काइल के फादर को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाती है। यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।